हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण कटियाल आप सबका स्वागत करता हूँ गुड हेल्थ शो के एक और दिलचस्प एपिसोड में। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के प्रति नेचुरल फिजिकल और मेंटल रिएक्शन को स्ट्रेस कहा जा सकता है। स्ट्रेस से हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है और शरीर में कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं या सीवियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स के प्रोन हो सकते हैं और काफी सारी एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्सन भी हो सकती हैं। स्ट्रेस हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ को ही नहीं, हमारी लाइफ के बहुत से और एस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। आजकल महिलाओं में भी स्ट्रेस काफी कॉमनली देखा जा रहा है, तो इस विषय पे आगे चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट एक्सपर्ट भानवी सचिन नालवा, जो एक रिनाउंड लाइफ कोच हैं और थेरेपिस्ट हैं। भानवी जी, आपका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। शुक्रिया, और गुड हेल्थ शो के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। भानवी जी, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर वरुण, मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। बचपन में स्कूलिंग, उसके बाद कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज गई मैं, फिर मैंने विवाह किया, उसके बाद वैवाहिक जीवन और बच्चे, तो अभी तक बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन तब भी कुछ सवाल थे मन में जिनका जवाब ढूंढती रहती थी। और कई बार शुरू से बचपन से ही मेरे मन में था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लाने की एक कोशिश करूं। और मेरी जर्नी जा मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत तरीके से डॉक्टर रमोन लांबा का लाइफ स्कूल आया और मैंने लाइफ कोचिंग की। वहाँ कई सवालों के जवाब मिले और उसके बाद कई रिट्रीट्स करी मैंने वहीं पे उनके साथ, और कई मोडालिटी सीखी लोगों को हील करने के लिए। उसमें से कुछ रेकी था, EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक था, ब्रेन टाइप्स था, और इन सब मोडालिटीज़ को यूज़ करके मैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत सुंदर बदलाव ला पाई हूँ। और फिर मुझे लगा मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे मैं और आगे जा पाऊँ। फिर मैंने किया थेरेपी का कोर्स, उससे काफ़ी बदलाव आया लोगों की सेहत में, उनके मन में और उनके जीवन में। भानवी जी, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। भानवी जी, स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ पे किस तरह से हो सकता है? स्ट्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि थोड़ा हो तो हमें मोटिवेट करता है जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर यही स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा शरीर फिर हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, आर्थराइटिस और कई डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाता है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो तो वो और वर्सन हो जाती है। हमारे शरीर में हमारा दिमाग 1300 केमिकल्स सिक्रीट कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन जैसे ही हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो टेक ओवर कर लेता है। इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारे रिस्पॉन्सेस बढ़ते हैं और बॉडी थोड़ा सा थ्रेटन्ड फील करती है। ये होता है फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। हमारा नर्वस सिस्टम जो कि ज़्यादातर रहना चाहिए, वो होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये यूजुअली हमारे सारे बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करता है, और हमारा ब्रेन
जरूरत पड़ने पर सही केमिकल्स अपने आप सिक्रीट करता है। इसमें पूरी बॉडी हेल्दी रहती है और अपने आप से सारे हैप्पीनेस केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म। स्ट्रेस लेवल हाई रहने पे जो हमारा डीएनए होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। हमारी बॉडी फिर बहुत सारी डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाती है और इसीलिए स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। भानवी जी, स्ट्रेस महिलाओं की हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? स्ट्रेस महिलाओं क्या छोटी लड़कियों से भी आगे एल्डरली लेडीज सभी को इफेक्ट कर सकता है। आजकल छोटी उम्र में ही लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत होने लग गई है। थोड़ा आगे बढ़ें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो सकते हैं, उसके आगे कंसीव करने में भी बहुत मुश्किल होती है। अगर किसी लड़की को पीसीओडी एक छोटी उम्र में हो चुका है तो उसको आगे जाके शादी के बाद कंसीव करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे ही प्रेगनेंसी भी शुरू होती है, कई बार आजकल आप सुनेंगे कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार लेडीज़ को रेस्ट पे डाला जाता है, कई बार अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट्स होते हैं और प्रेगनेंसी में भी सिजेरियंस के केसेस इतने हाई हो गए हैं। कई बार बच्चे का वेट या फिर लेडीज़ की ब्लड शुगर कैसी है, ऊपर नीचे है, या लेडीज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया तो भी इमीडिएटली सिजेरियन करना पड़ सकता है। जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा बच्चा संभालना भी लेडीज़ के लिए कम स्ट्रेसफुल नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर सेटअप हो या फिर एक पारिवारिक जॉइंट सेटअप हो। छोटा बच्चा जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आता है आपके लिए वो स्ट्रेस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके आगे बढ़ के लेडीज़ के लिए मेनोपॉज आता है जो कि 40-45 ईयर्स की एज ग्रुप तक उनको इफेक्ट करता है। डिलेड प्रेगनेंसी हो तो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्योंकि आजकल सभी के बॉडीज थोड़ा या थोड़ा स्ट्रेस देती ही हैं। इसके अलावा जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस इत्यादि होने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। भानवी जी, जब क्लाइंट्स आपके पास हेल्प के लिए आते हैं तो आप किस तरह से उनकी हेल्प करती हैं? डॉक्टर वरुण, जब क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास तो EFT के साथ साथ मैं उन्हें बायो एनर्जेटिक एक्सरसाइजेस बताती हूँ, उनकी ब्रीदिंग रेगुलेट करवाती हूँ और उन्हें स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स भी बताती हूँ। कई ब्रेथ वर्क हैं, कई ब्रीदिंग स्टाइल्स हैं योगा के भी और योगा के अलावा, जिनसे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। और साथ ही साथ जब हम अपने रिश्तों में थोड़ा और प्यार लाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो या आपके घर के स्टाफ मेंबर्स के साथ ही हो, जैसे ही आपके रिश्तों में थोड़ा और प्यार आता है आपका स्ट्रेस लेवल उसी तरह धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरे पास एक लेडी आई थी जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जॉइंट्स में बहुत दर्द होती थी, पैल्पिटेशंस भी बहुत होती थी, पैनिक अटैक्स हो रहे थे, तो मैंने उनकी काउंसलिंग शुरू करी और साथ ही साथ मैंने उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाए, उन्हें मेडिटेशन सिखाई और उससे उनको काफ़ी फर्क पड़ा। बहुत ज़रूरी था मेरे लिए ये जानना कि मैंने उनकी ब्लड रिपोर्ट्स करवाई थी, उस हिसाब से फिर ज़रूरत पड़ने पर जो वाइटमिन्स मैंने रिकमेंड करे वो खाने भी बहुत ज़रूरी हैं। आज से कई साल पहले जैसा हवा पानी साफ हुआ करता था आजकल वैसा नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ब्रीदिंग और अपनी डाइट दोनों पे ध्यान दें। डाइट में ताज़े फल सब्जियां तो हैं ही, साथ में ही थोड़े थोड़े ज़रूरत के हिसाब से विटामिन्स रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो केसेस मेरे पास आते हैं मैंने फिर उन्हें रेकमेंड ये भी करा कि आप कुछ विटामिन्स लीजिए, मैंने उन्हें बायो एनर्जेटिक एक्सरसाइजेस सिखाए, स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स सिखाएं और उससे उनकी सेहत में काफ़ी फर्क पड़ा। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी यहाँ पर। मेरे पास कोई आए थे जिन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी हो रही थी काफ़ी, IBS भी था उनको और एंग्जाइटी इशूज़ भी थे, तो उन्हें मैंने थेरेपी के साथ साथ
काउंसलिंग करी। 3-4 सेशंस के बाद मैंने रेकी, चक्रा क्लियरिंग, ऑरा क्लियरिंग करा, उन्हें और एक्सरसाइजेस सिखाए ब्रीदिंग के, उन्हें मेडिटेशन सिखाई, एफर्मेशंस भी सिखाई। उससे उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया। भानवी जी, स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आप दर्शकों को क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगी? गुड हेल्थ शो के सभी प्रिय दर्शकों के लिए मेरे पास बहुत सारे हेल्थ टिप्स और एडवाइसेस हैं। सबसे पहले तो जो आपकी सुबह है वो एक पॉजिटिव और प्यार भरे वातावरण में शुरू कीजिए। कई लोगों की सुबह शुरू होती है न्यूज़पेपर और न्यूज़ के साथ। कोशिश करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, दिन में आगे बढ़ के न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखिए। सुबह के समय अपनी खुशी पे, अपने मन की शांति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो आप कुछ मंत्रास लगा सकते हैं अपने घर में, या फिर आप कुछ अच्छे गीत भी सुन सकते हैं सुबह के समय, ताकि आपकी सुबह एक बहुत ही सुंदर तरीके से शुरू हो। और नेचर के साथ कनेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप खुली हवा में जाके थोड़ी देर वॉक कीजिए, या आप किसी पार्क के बेंच पे भी थोड़ी देर बैठिए। बहुत ज़रूरी है घर की दीवारों के बाहर निकलना और कुदरत में थोड़ा सा समय बिताना। आइए मैं आपको बताऊं बायो एनर्जेटिक एक्सरसाइजेस से आपकी सेहत में कितना बदलाव आ सकता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है, तो जितना आप धरती से कनेक्ट होंगे उतना ही आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। इनको एक बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है बायो एनर्जेटिक एक्सरसाइजेस का नाम देके। बायो एनर्जेटिक एक्सरसाइज ये हैं कि आप दिन के 15-20 मिनट नंगे पैर चलिए धरती माँ पे, चाहे वो बीच पे हो या फिर अपने घर के आसपास थोड़ी घास पे चलिए, पर नंगे पैर चलना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा समय आप अपने पंजों पे चलिए, थोड़ा समय एड़ी के बल पे और पैरों के बाहर और अंदर की तरफ पे भी। इससे आपकी बॉडी के जितने भी मेरिडियंस हैं सब में से नेगेटिव एनर्जी हमारी धरती माँ लेके उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है और आपकी हेल्थ में काफ़ी फर्क पड़ता है कुछ दिन ये करने से। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, सांस लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हम सही तरीके से अपनी सांस पूरी डीप ब्रेथ लें, जो कि हमारी स्पाइन के बेस तक होनी चाहिए। और ये काम ब्रेथ होती है, जैसे कि आप बैठे बैठे 4 की गिनती तक आराम से डीप ब्रीथ कीजिए, उसको 3-4 काउंट्स तक होल्ड कीजिए और 4 या 5 काउंट्स तक धीरे से रिलीज कीजिए। दिन में एक बार ये वाला डीप ब्रीदिंग का सेट 25-30 डीप ब्रेथ्स का करने से, 7-8 सेट ऐसे करने से आपकी सेहत कुछ समय में अपने आप अच्छी होने लगेगी। जाते जाते मैं आपको एक बहुत प्यारी सी टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, और ये है द बेस्ट एटीट्यूड इज ग्रैटिट्यूड। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है उसका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जितना हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं उतना कुदरत हमें और देती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरे इन टिप्स से प्रैक्टिस करके बहुत फ़र्क पड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भानवी जी। तो दोस्तों, भानवी जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि किस तरह से स्ट्रेस हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स को इफेक्ट कर सकता है। उन्होंने
हमें बहुत सी अच्छी टिप्स दी और एडवाइस भी दी कि किस तरह से हम स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यदि आपके कुछ सुझाव हैं या कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए गुड हेल्थ शो।